नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी हुई कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही उससे जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अवैध रूप से की गई कमाई को वैध बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवैध रूप से की गई कमाई का कोई भी लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता और जिससे भारत को आर्थिक रूप से बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कई नियम जारी किए गए हैं। पीएमएलए अधिनियम का फुल फॉर्म यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता है और इसे धन शोधन की रोकथाम भी कहते हैं, यानी कि काले धन को वैध बनाने वालों के लिए कानून। इस अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकते हैं। 1990 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेनदेन के रूप में भी जाना जाने लगा था और कुल मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों में या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसीज भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती और मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें एक सबसे अहम है कि फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें शेल कंपनीज भी कहा जाता है, फिर किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदना लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाना जबकि उस खरीदी गई संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत कहीं ज्यादा होती है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में अधिनियमित किया गया था लेकिन इसमें 3 बार संशोधन किया जा चुका है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अगम कौर। आप प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार की पूर्व विधि सलाहकार रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में अगम जी। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल शुरू करूं, इससे पहले हमारे दर्शकों को भी बता देते हैं कि आपके जहन में भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ी देर में फ्लैश भी हो जाएगा, ये देखिए आ भी गया, और नंबर है 7065013841 8377009636। दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो भी आपके जहन में सवाल है, हमारी जो आज के मेहमान है अगम जी, उनसे आप सीधे सीधे पूछ भी सकते हैं। 7065013841 8377009636। दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। और आज लीगल हेल्पलाइन में मसला भी यही है और जिसको लेकर अधिवक्ता अगम जी हमारे साथ हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग जो कि अगर देखा जाए तो किस तरीके से काले धन को सफेद किया जाता है, लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम में आज हम इसी मसले को लेकर बात करेंगे। हमारे खास मेहमान अगम जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगम जी, सबसे पहले तो लोग, कई लोग होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को समझ नहीं पाते, उनके जहन भी और शब्द ही क्लियर नहीं होता है कि आखिर यह है क्या चीज। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए अगम कौर जी कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, किस तरीके से की जाती है। प्रियंका मैम, आपने बहुत ही सरल तरीके से दर्शकों को जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो गलत तरीके से और अवैध तरीके से कमाया हुआ जो धन होता है उसको लोग जो है छुपाने के लिए वैध तरीके के व्यापार में वैध करते हैं, उसका इस तरीके से प्रारूप बदला जाता है कि वो एकदम वैध धन बन जाता है और वो हमारे इकोनॉमिक चैनल्स में पंपिंग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को पूरे इस लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में इसमें अलग अलग तरीके के एक्शन को किस तरीके से ऑफेंस बनाया गया है वो एक्सप्लेन किया गया है, जैसे प्लेसमेंट, लेयरिंग, एक्विजिशन या सिर्फ प्रोजेक्शन, या मैंने किसी तरीके से काला धन अर्जित किया है, मैं उसको सफेद धन दिखा रही हूँ, उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस भी बनाया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके के एक्शन हैं जो सेक्शन 3 में बाइंड है वो इस एक्ट में एज एन ऑफेंस है और पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। ठीक है, और जैसे कि आपने बताया अभी अगम जी की बाकायदा किस तरीके से प्रोसेस रहता है पूरा, और लेकिन सवाल यह है कि क्या क्या वो तरीके होते हैं, रास्ते वो कौन कौन से होते हैं जिसे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अख्तियार करते हैं जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो कुछ उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, जो जनरल केसेस जो आ रहे हैं आजकल के, वो बैंक से लोन, आगे उन्होंने जो
बिजनेस था, उन्होंने दिखाया कि हमें कोई सामान सामग्री खरीदनी है, तो वो बोगस बिल लगा दिया उन्होंने बैंक में, और बैंक से सीसी क्रेडिट लिमिट से वो पैसे निकालते गए, उनकी लिमिट इंक्रीज होती गई। एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं हो रहा था उस कंपनी ने अलग अलग जगह और जगह इन्वेस्ट करी, वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर उनके पास वापस आ गया, तो वो पैसा बढ़ भी गया उनका और वो जनरल सर्कुलेशन में आ गया उनके पास। तो ये एक बहुत जनरल तरीके की गतिविधि हो रही है। दूसरा, जैसे आपने बताया हवाला से जो कैश है उसको प्रॉपर्टी खरीद ली गई और वही कम दामों पे प्रॉपर्टी खरीदी गई और उनका जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब जो है वो जनरल तरीके हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो यही वो रास्ते हैं जिसके चलते ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया जाता है। लेकिन अगम जी, कौर जी, एक और सवाल उठता है कि जब तलाशी और जब्ती के दौरान कई बार देखा जाता है कि अधिकारियों और प्राधिकरण की शक्तियां समझ में नहीं आती है, तो इस बाबत क्या आप बताएंगे कि अगर तलाशी या जब्ती अगर हो रही हो तो अधिकारियों के पास, प्राधिकरण के जो अधिकारी होते हैं उनके पास शक्तियां किस तरीके की होती हैं इस बाबत अगर उन्हें कार्रवाई करनी हो तो? तो जांच के समय अधिकारियों के पास काफी शक्तियां होती हैं। वो किसी भी मकान का ताला खुलवा सकते हैं जो बंद हो गया हो, अगर उसकी चाबियां खो गई हैं तो उस खुलवाने का आदेश दिया जा सकता है। कोई भी कमरा या कोई तरीके का बंद, जहां बंद तरीके का सामान रखा हो, कोई बुक्स है, कोई अटैची है, कोई अलमारी है, कोई सेफ है, उन सबको खुलवाने का और सर्च के दौरान वो आदेश देते हैं। सर्च के दौरान वो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डिवाइस, कोई लैपटॉप, मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव, जो भी उनको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आगे जाके मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस हुआ है उसको मददगार मिलेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो सब वो जब्त कर सकते हैं, उसका लिस्ट बना सकते हैं, उनका सर्च कर सकते हैं। सर्च के दौरान वो लोगों का जो वहां पे उस घर में है उन बयान भी ले सकते हैं और किसी को सर्च भी कर सकते हैं, मतलब पर्सनली फिजिकल सर्च भी कर सकते हैं। बट एक चीज का लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई लेडी है तो सिटी ऑफिसर ही उनका उनको चेक कर सकती है या उनको सर्च कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि अगर कहीं पर भी कोई महिला है तो उसके लिए फिर आपको लेडी ऑफिसर ही चाहिए। और कितने दिनों के लिए संपत्ति जब्त और जमे हुए या फिर विभाग द्वारा संलग्न किया जा सकता है, क्या इसकी डेडलाइन हो सकती है, क्या टाइम होती है? 180 दिन के लिए जो ये प्रॉपर्टी है वो निदेशालय अपने पास रख सकता है। 30 दिन के, जैसे ही उन्होंने ये सर्च कंडक्ट करी, 30 दिन के अंदर अंदर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जो एक्ट में बनाई गई है, उसमें उनके सामने इनको जो अधिकारी है उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है और उस एप्लीकेशन में उनको लिखना होता है कि ये सामान हमें मिला है और इस कंपनी जांच पे ये पता लगा है कि ये इस वजह से आगे जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हमें 180 दिन से ज्यादा की भी परमिशन दी जाए। तो उनको कंफर्म करनी होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, या वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ईडी के पास पूरे रीजंस नहीं है उसको अपने पास रखने के, तो वो रिलीज का भी ऑर्डर कर सकती है और उसका डिटेंशन ऑर्डर कर सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर मान लीजिए जमानत को लेकर कोई प्रक्रिया पूछे कि जमानत को लेकर क्या प्रक्रिया हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो वो उसके लिए क्या प्रोसेस है? जमानत के लिए जो लोग हैं उनको उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा जहां तो एफआईआर के बाद जहां फाइल होगी, जिसको स्पेशल कोर्ट कहते हैं एक्ट के अंदर, वहीं पे ही जमानत के लिए भी जाना पड़ेगा। तो जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होंगे वो उससे डील करेंगे, उसमें सीआरपीसी के प्रोविजन के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। और ऐसे में अगर मान लीजिए जांच चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, उस दौरान व्यक्तियों के पास क्या अधिकार होते हैं? जांच में जैसे मैंने आपको बताया सर्च हुई, तो सर्च में पहली बात तो उनको ध्यान रखनी है कि जो अफसर आए हैं उनके पास वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ही है, उससे आइडेंटिटी कार्ड देख लें, मांग लें कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहे, क्योंकि बीच में ऐसी भी गतिविधियां हुई थी कि लोग दिखा रहे थे कि वो पुलिस के हैं या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हैं और लोगों के घरों में घुस रहे थे, तो वो चीज ना करके आप उनको जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर आते हैं उनके पास ऑर्डर हो बताया, वो ऑर्डर देखें कि ये सर्च कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन देखें और उसके
उसके बाद उनको अलाउ करें सर्च करने के लिए और किसी तरीके की बाधा ना करें, वो उनका प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, उसको इंटरप्ट ना करता है, बस ये इंश्योर करें कि वो ईडी के ही ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर सर्च के दौरान लगता है कि उनको अपने एक दो परिजन या कोई इंपोर्टेंट इंसान चाहते हैं कि वो वहां बस खड़े हो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ताकि सब चीजें कानूनी तरीके से, तो वो वहां खड़े हो सकते हैं। बस ये इंश्योर करें कि वो किसी तरीके का बाधा ना क्रिएट करें या लड़ाई झगड़ा ना करें ऑफिसर्स के साथ। दूसरी बात, अगर वो अरेस्ट हो गए हैं, मान लीजिए उनको सेक्शन 19 के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है, उनके पास अलग तरीके की रेमेडीज हैं लॉ में, जैसे क्या कहते हैं, उनको लीगल एडवोकेट वो ले सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। उन जब वो अरेस्ट हुए तब ऑफिसर ने उनको अरेस्ट किया है, वो उनको इन्फॉर्म करेंगे कि उनको क्यों अरेस्ट करा गया है। अगर उनको तुरंत मेडिकल जांच चाहिए तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनका लोग पास के ही गवर्नमेंट अस्पताल में उनकी पूरी जांच होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको लोकल, जैसे अरेस्ट किया उनको लोकल जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उनकी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और ये पूरी प्रक्रिया होती है जमानत को लेकर बाकायदा। और अगर क्या व्यक्ति को PMLA 2002 के तहत अगर गिरफ्तार किया जा सकता है, और यदि हाँ तो फिर गिरफ्तारी के दौरान व्यक्तियों के अधिकार क्या हो सकते हैं? मैम मैंने बताया, जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो भी उनकी स्पेशल कोर्ट बन रही है जुरिडिक्शन के हिसाब से, वहां पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर। और इसके अलावा उनको ग्राउंड इन्फॉर्म करना होता है, आपको आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है, जो भी अधिकारी हैं उनको, जिनको अरेस्ट किया है उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि क्यों उनको अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा उनको एक कॉल मिलती है कि वो अपने एक लीगल काउंसिल को, एडवोकेट को कॉल करें ताकि वो जिस तरीके की लीगल एडवाइस है वो ले सकें। उनको और भी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे PMLA में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि आपने पुलिस ऑफिसर के सामने दिए तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम है। PMLA में जो भी आपने स्टेटमेंट दी है वो इक्वल है जो आपने मजिस्ट्रेट के सामने दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अधिकार देता है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपकी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट है तो आप राइट टू मेंटेन साइलेंस, जिसे कहते हैं आप चुप रहने का अधिकार रख सकते हैं, वो सब उनके अधिकार हैं उस टाइम पर। कोई भी उनको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेंगे ऑफिसर्स को, और वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका पूरा फुल हेल्थ चेकअप करवाएं। बिल्कुल, ये अधिकार, बिल्कुल ये सारे अधिकार होते हैं। आप अगम कौर जी, आप हमारे साथ जुड़ी रहिए क्योंकि और भी कई सवाल हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो कि आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए PN। जी आप देख रहे हैं कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन, और लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। इस बाबत बाकायदा आपके पास फोन नंबर्स भी हैं जिस पर आप कॉल करके मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी मेहमान अधिवक्ता अगम कौर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अगम कौर जी, अगर धारा 45 के बारे में भी अक्सर बात की जाती है तो ये क्या है मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45? जी, तो बेसिकली इस धारा के अंदर जो भी ये स्पेशल कोर्ट है
उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई, तो जो ये जैसे आपकी जहाँ FIR के बाद जहाँ चार्जशीट फाइल हो, जहाँ पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, तो वो जो लोकल कोर्ट बनती है वही कोर्ट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो PML इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल। और अगम कौर जी, क्या PMLA के तहत जांच अधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया बयान कानून के तहत स्वीकार्य साक्ष्य माना जाता है? जी, बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है जो आप एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर के सामने बयान देते हैं, वो पुलिस अधिकारी के सामने दिए हुए बयान के तरीके नहीं है। वो जो बयान है इक्वल है जो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में देंगे, बिल्कुल उसके इक्वल है, मतलब इतना वेट रखता है वो। तो आपने एक बार अगर जो बयान दे दिया है आप उससे हट नहीं सकते हैं। अगर आपने कोई गलत बयान दिया है तो PMLA में प्रोविजन भी है कि आपको फॉल्स आपको सजा मिल सकती है और पेनल्टी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। अगर आपने कोई फैक्ट आपको नहीं पता, आपने बयान दे दिया है कोई जो फैक्ट के अगेंस्ट है, वो कल को आपके अगेंस्ट में जा सकता है ट्रायल कोर्ट में। यानी कि जो चीज अगर आपने बयान दिया है तो उस पर आपको टिके रहना पड़ेगा और वो पूरी तरह से सैद्धांतिक भी होना चाहिए। और ये जो PMLA के तहत आखिर किन परिस्थितियों में संपत्तियों को अनंतिम रूप से अटैच किया जा सकता है, इसको भी लेकर कोई प्रोविजन है? जी, तो धारा 5, धारा 17, धारा 18, इसमें अलग अलग तरीकों से प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविजनली कहते हैं, प्रोविजनली अटैच होती है। और 17 के अंदर सीजिंग और सीजर का है, जैसे मान लीजिए किसी का अटैचमेंट नहीं हो सकता, जैसे बैंक अकाउंट है तो सीज किए जाते हैं, या कोई कंपनी है जैसे फोन हो, हार्डवेयर हो गए, लैपटॉप हो गए, ये सब सीज किए जाते हैं अंडर सेक्शन 17। तो ये जो है ये इसका जो जैसे प्रॉपर्टी हो गई आपकी, कोई मकान हो गया, तो ये प्रोविजनली अटैच होता है। और इसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो फिर जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 30 दिनों के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जाना पड़ता है और उनको वहां पे बताना पड़ता है कि हमने ये प्रॉपर्टी अटैच करी है या सीज करी है या सीज करी है इन वजहों की वजह से, और हमें आगे 180 दिन से ज्यादा के लिए भी जो परमिशन दी जाए वो इन वजह से दी जाए। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक नोटिस इश्यू करती है जो इनके ओनर हैं उनको, जैसे प्रॉपर्टी के हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या बैंक अकाउंट है, उनको नोटिस इश्यू करती है उनके ओनर्स को, और उनको अपना बताना पड़ता है कि ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने कमाई है या बनाई है वो बिल्कुल असली सोर्स से बनाई है और कोई भी इसमें गैर कानूनी पैटर्न नहीं लगा। और क्या अचल संपत्ति के अंत में किसी भी रुचिकर दावा करने वाला या हकदार व्यक्ति अंतिम कुर्की की अवधि के दौरान संपत्ति का आनंद ले सकता है, मतलब संपत्ति उसके पास रह सकती है क्या? जी बिल्कुल, जब तक प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविजनली अटैच है, मतलब वो कंफर्म नहीं हो गई एडजुडिकेशन अथॉरिटी या स्पेशल कोर्ट द्वारा, तो उस टाइम पर जैसे मान लीजिए कई लोग खुद अपनी प्रॉपर्टी रहे होते हैं, उन्होंने और लोगों को रखा होगा रेंट पर, वो लोग और ओनर भी खुद उस प्रॉपर्टी को करते हैं सकते हैं उसमें, तब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म नहीं कर देती। एक बार एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कर तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर होते हैं वो एक नोटिस इशू करते हैं और 10 दिन या 10 मिनिमम जो नोटिस है वो 10 दिन के अंदर अंदर खाली करने का होता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है, तो ये नोटिस दिया जाता है ताकि वो लोग प्रॉपर्टी खाली करें। उससे पहले वो लोग प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं और रेंट जो ले वो लेते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये प्रोसीजर रहेगा कि अगर वो रेंट ले रहे तो वो भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बकायदा उनके पास रहेगी। पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं और जहां पर संपत्ति अंतिम रूप से जुड़ी हुई है? पीड़ित व्यक्ति है उसको हर एक स्टेप पर लॉ ने सेफगार्ड करा है, वो आगे अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं चाहे मैटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में हो। अगर कंफर्म हो गई उनकी प्रॉपर्टी का पोजेशन इनकी जहाँ बात आ गई है, वहाँ वो एप्लेट ट्रिब्यूनल जाके अपील फाइल कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट।
भी उनको रिलीफ ना मिले तो वो हाईकोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई फंसता है तो फिर सजा का क्या प्रावधान होता है? 3 से 7 साल के बीच में सजा हो सकती है। अगर वो ड्रग रिलेटेड ऑफेंस में जहां FIR फाइल की और चार्जशीट फाइल हुई है तब उनकी सजा 10 साल तक भी हो सकती है। और उसके अलावा फाइन भी लग सकता है, कोर्ट फाइन लगा सकती है और उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है वो जब्त, यानी कि उस प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा सकता है। एक चीज और है गम कौर जी, हम अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देखते हैं कि देखिए जो देश के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी है वो तो ठीक है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि मनी जो लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा, अवैध पैसा, दूसरे विदेशों से घूमते हुए आता है खातों में। इस बाबत भी कोई प्रावधान है कि अगर बाकायदा कोई विदेश में या बाहर के जो देश है वहां पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई हो तो सीधे यही प्रोसीजर वहां पर फॉलो किया जाता है, या फिर ये मानकर चला जाए कि कुछ हद तक नियम कायदे फिर बदल जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत? जहाँ जो भी प्रॉपर्टी देश से बाहर गई है तो वहाँ तो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है एक तरीके से, तो उसका प्रावधान हमारी एक्ट में ऐसे किया गया है कि जितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी बाहर है, मान लीजिए 10 करोड़ का कोई प्लॉट खरीदा गया देश से बाहर, तो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी मतलब 10 करोड़ के बयाने 10 करोड़ यहाँ इंडिया में अटैचमेंट कर सकती है उसमें डायरेक्टली, और अपना जो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसे कहते हैं, जो तरीके से कमाया हुआ धन है उसको सिक्योर करा जा सकता है ताकि उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सके और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में साथ में वेट कर सके वो चीज। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर भी शिकंजा कसने की तैयारी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अगम कौर जी हमसे जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इतना ही लीगल हेल्पलाइन में, और बाकी खबरों के लिए आप APN के साथ जुड़े रहिए।